तो आइए साथियों, आज हम मैथ पैडागॉजी में गणित शिक्षा शास्त्र में गणित की प्रकृति का अंतिम पार्ट्स देखते हैं, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण। तो अमूर्तीकरण का मतलब क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में मूर्त से अमूर्त बता दिया था। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ यदि समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अमूर्तीकरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अमूर्तीकरण का मतलब होता है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। यदि किसी के मन में कोई अवधारणा बन गया है तो उसका विचार अमूर्त रूप में आना, जिसका कोई मूर्त न हो, जो हमको दिखाई न दे, है ना, उसे बोलते हैं अमूर्तीकरण। बहुत सिंपल है। यदि कोई गणित आपको बता रहे हैं, यदि आपको पूछे गणित क्या है, तो आप अपने हिसाब से किसी संख्या को बता रहे, गणना करने को बता रहे हो, या किसी को प्रतीक रूप में लिखना बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें गणित के अंतर्गत आता है। तो उसी को आप जो है एक अवधारणा के रूप में यदि अपने मनोमस्तिष्क में विचार बना लेते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला दो, अब दो को आप लिखेंगे प्रतीक के रूप में, या आप ठोस रूप में किसी को दो लेके आ सकते हैं, है ना। प्रतीक के रूप में लिखना और ठोस के रूप में, ये ठोस यदि दिखता है तो वो हो जाएगा आपका मूर्त रूप। लेकिन यदि इसी को हम अवधारणा बनाने मन में कि दो होता है और दो लिखते हैं तो होता है आपका अमूर्तीकरण, मतलब मूर्त रूप में ना होना, जिसको हम देख नहीं सकते, अपने में विचार में एक धारणा बन गई कि दो होता है, है ना। अब दो ऐसा नहीं है कि केवल दो हो, दो को हम दो ही समझे, उसको हम अनेक रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है कि दो को यदि हमको समझना है तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे देखिए बात करते हैं दो की, बात करते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तरह के हम देखते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, कमीज के दो बाँह होते हैं, रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, किसी तर्क के दो पक्ष होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने दो शब्द कहते ही हमारे मन में एक विचार आने लगा। बहुत सारे चीज़ें दो जोड़ी को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या किसी के दो सिर हो सकते हैं, इस प्रकार से मन में एक विचार आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह का सा अमूर्तीकरण कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी अवधारणा को जो मूर्त रूप है उसे विचार द्वारा समझना और उसे अमूर्त रूप में लेके आना, उसे बोलते हैं अमूर्तीकरण। अब इसी को हमको, मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने ये मैं चाहता हूँ। तो आपको मैं अंतिम रूप से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा अमूर्तीकरण होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं, एक बिंदु को लेकर चलते हैं, बिंदु को लेकर। अब बिंदु को ठोस रूप से समझाया जा सकता है क्या? आप खुद सोच के देखिए, बिंदु को हम ठोस रूप में नहीं समझा सकते। किसको बोलोगे? एक पत्थर लेके आओगे तो क्या उसको बिंदु बोलोगे? नहीं। तो यहाँ पे इसको हम कैसे समझाएंगे, इसका अमूर्तीकरण हम कैसे करेंगे, है ना। हम बिंदु का अवधारणा का अमूर्तीकरण इसके ठोस उदाहरणों से नहीं कर सकते, क्योंकि आदर्श रूप में बिंदु का ठोस निरूपण नहीं हो सकता, आप उसको दर्शा नहीं सकते। लेकिन इस समस्या को हल करने का कोई आसान तरीका और नहीं है, इसलिए इस अवधारणा का इस्तेमाल करते समय हम अक्सर इस समस्या को नज़रअंदाज करते हैं। और अब इस प्रकार से हम उसका उपयोग किस लिए करते हैं कि कोई बिंदु है जिसका नाम है ओ, जो मूल बिंदु है जिसका नाम क्या है ओ, इस प्रकार से हम दिखाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि असलियत में बिंदु को दिखाया ही नहीं जा सकता। तो पहले से वो हम अमूर्त रूप में हैं, लेकिन उसको दिखाया जाता है, पहले मूर्त रूप में उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अवधारणा को हमको अमूर्तीकरण तक लेके जाना है, यह अवधारणा बननी चाहिए। तो यह एक अमूर्त चीज़ होती है जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। ध्यान रखिएगा, अमूर्तीकरण या अमूर्त का मतलब होता है जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। अब आपके दिमाग में विचार जो चल रही है उसी को बोलते हैं अमूर्तीकरण। ठीक यही बात रेखाखंड या किरण जैसे अन्य ज्यामिति अवधारणाओं पर भी लागू होता है। इन सभी अमूर्त अवधारणाओं का गणित की दुनिया में कुछ माने गए नियमों और परंपराओं के तहत अस्तित्व होता है। इन नियमों को अभिगृहित कहा जाता है। अभिगृहित मतलब क्या होता है?
अवधारणा को पकड़ लेना, अवधारणा को समझ लेना, है ना। और ऐसी अमूर्त अवधारणाओं और संबंधित अवधारणाओं को समझने और इस्तेमाल कर पाने के लिए हम इन प्रतीकों से निरूपित करने का एक तरीका चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो अवधारणा बनती है अमूर्त रूप में जो बनती है उसे हम प्रतीकों के रूप में निरूपित करने का प्रयास करते हैं। एक बार एक खास तरीके को तय करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करके अपने दिमाग में मौजूद दूसरी चीज़ों के प्रतीक तय कर लेते हैं। अब ये इस प्रकार से क्या है, अमूर्तीकरण है ना। किसी बात को हम समझ लें, एक यहाँ पे लिखा है एक बार एक खास तरीके को तय करने के बाद, आपने तय कर लिया, समझ लिया, तो इसके इस्तेमाल आप अपने दिमाग से दूसरे चीज़ों में कर सकते हैं, प्रतीक रूप में कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ये अमूर्तीकरण ही है। जैसे आप दो की अवधारणा को समझ गए या पाँच की अवधारणा को समझ गए, ये संख्या पाँच होते हैं ये हम ठोस रूप में समझने, जैसे एक गोला, गोला के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था, गोला को हमने गेंद के रूप में, है ना, और आपके फुटबॉल के रूप में, इस प्रकार से एक गोलाई जो त्रिविम आकार है उसको हमने समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसको बताते गए तो एक मन में क्या बन गया, तस्वीर बन गई, स्पष्ट तस्वीर बन गई, गोला इस प्रकार से होता है। अब उस गोले को हम जैसे किसी के सामने रखेंगे तो मन में एक विचार आएगा, गोला, हाँ गोला इस प्रकार से, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ऐसे ही बता देगा गोला इस प्रकार से होता है। तो ये होता है अमूर्तीकरण। आप दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं, बोला गोला बनाओ तो गोला बना सकता है, वो कोई भी तरीके से गोला बनाएगा, है ना। तो ये होता है अमूर्तीकरण। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, अमूर्तीकरण के दूसरे रूप के मुताबिक यूक्लिड ने कहा था कि बिंदु की गति से रेखा बनती है, बिंदु की रेखा से क्या बनती है, रेखा बनती है, इस रेखा जो खुद एक अमूर्तीकरण है कि गति से पृष्ठ जनित होती है। आप सोच के देखिए, बिंदु एक खुद अमूर्तीकरण है और उससे पृष्ठ का निर्माण होता है। ऐसा अमूर्तीकरण के दूसरे रूप में मुताबिक यूक्लिड किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को कि बिंदु की गति से रेखा बनती है जो खुद एक अमूर्तीकरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमूर्तीकरण होता क्या है। अमूर्तीकरण किसी ठोस रूप के अवधारणा को समझने के बाद मन में मनोमस्तिष्क में उसका छवि बन जाना और उसका उपयोग दूसरे रूप में करना, मतलब उसको आपको सामने दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ जाएंगे और जैसे उसका नाम लेंगे आपके मन, आपके सामने वो स्पष्ट उसका तस्वीर बन जाएगा। तो ये होता है अमूर्तीकरण, जिसका कोई मुहूर्त ना हो, जो दिखाई ना दे, उसे बोलते हैं अमूर्तीकरण। तो दोस्तों ये तो हो गया अमूर्तीकरण। अब चलते हैं विशिष्ट और व्यापीकरण। अब विशिष्ट और व्यापीकरण का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं विशिष्टीकरण और व्यापीकरण में। तो सबसे पहले मैं अपने भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले विशिष्टीकरण को समझिए। विशिष्टीकरण क्या होता है, एक विस्तार को अलग करने का तरीका होता है। एक विस्तार आपके सामने समक्ष रख दिया जाएगा, आप उसको अलग अलग तरीक़ों से या उसको बता सकते हैं, विशिष्ट रूप से आप बता सकते हैं। एक विस्तार को अलग अलग भागों में बांट करके उसको आप बता सकते हैं, विशिष्टीकरण है। अब व्यापीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरह का से विस्तार करना, छोटे से लेकर के एक विशिष्ट से विस्तार की ओर जाना, यह व्यापीकरण होता है। अब व्यापीकरण विस्तार है, वहाँ से आना यह विशिष्टीकरण है, ठीक है। तो इसको हम समझने के बाद हम देखते हैं कि चलिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने पूंछ की अवधारणा बनाने का तरीका हम समझाते हैं। जैसे आपने बोला घोड़े या गाय का पूंछ, अब बताइए गाय और घोड़े का पूंछ की बात करते हैं तो बचपन में आपने अलग अलग जानवरों के पूंछ जरूर देखे होंगे, या भी देखे होंगे कि अलग अलग पूंछ अलग अलग तरीका से दिखता है। जैसे घोड़े का पूंछ देखे होंगे, गाय का पूंछ देखे होंगे, भैंस का पूंछ देखे होंगे। अब इस तरह से अलग अलग का पूंछ देखा, तो इस तरह की हमारी शुरुआती अवधारणा किसी जानवर का हिस्सा है, ये हम उसमें अवधारणा बनता है कि पूंछ जो है किसी जानवर का हिस्सा है जो पीछे लगा होता है। लेकिन आप धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे तो और आगे विस्तार होगा उनका। कैसे विस्तार होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ
इसमें कुछ किसी चिड़िया मछली के पीछे लगे हुए हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं, है ना। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, जैसे पूंछ समझ में आ गया, तो पूंछ की अभिन्न समझ को बदलकर इसमें हवाई जहाज, पतंग की पूंछ को भी शामिल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आपने जानवर के पूंछ के बारे में देखा था कि जानवर के पीछे जो लगा होता है वो पूंछ कहा जाता है, जैसे वो मछली के पीछे में हो चाहे चिड़िया के पीछे में हो। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज के पीछे तरफ लगा है वो भी पूंछ है। पतंग में जो डोर लगा होता है या उसमें जो पूंछ निकला रहता है वो भी पूंछ को हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह हम सजीव और निर्जीव को शामिल करते हुए एक अवधारणा को व्यापक करते हैं, मतलब एक विस्तार करते हैं। पहले आप केवल पशु के बारे में जान रहे थे, पशु के साथ साथ आपने निर्जीव चीज़ों में भी विस्तार कर दिया कि इनका भी एक पूंछ होता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये व्यापक होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। आखिरकार हम पूंछ को ऐसे छवि बनाते हैं जिसमें वस्तुओं या जंतुओं की पूंछ की कोई विशिष्ट लक्षण हो ना हो, लेकिन इसमें इन सब के समान लक्षण जरूर होंगे। ये पीछे तरफ होता है और ये किसी भी वस्तु के पीछे तरफ होगा या किसी जानवरों के या प्राणियों के पीछे तरफ रख रहेगा, ये समान लक्षण है ना। अब आपको किसी बच्चों को यह अवधारणा आपने सिखा दिया कि पूंछ बेटा इस प्रकार से होता है, जानवरों के पीछे होता है, है ना। पतंग देखे होंगे, पतंग के पीछे में होता है जो निर्जीव है, और मछली हो गया, जहाज हो गया। तो आप मुझसे यदि बोलेंगे कि पूंछ जानते हो, तो क्या वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि पूंछ किसी के सर में होता है? नहीं, वो ऐसा सोचेगा ही नहीं, वो बिल्कुल अवधारणा स्पष्ट हो जाएगा कि पूंछ मतलब किसी भी चाहे जंतु हो चाहे निर्जीव हो, वो पीछे ही लगाएंगे। उसमें एक सामान्य गुण है कि वो पीछे ही रहता है, विशिष्ट लक्षण हो ना हो, है ना, वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि उसके समान लक्षण ये है कि वो पीछे ही होता है। या यकीन नहीं होता तो आप किसी बच्चों को ये बोलना कि बेटा बंदर को आप जो मिट्टी का बना के दिखाओ, बंदर तो बंदर बनाएगा, पूंछ पीछे ही रखेगा वो। आप बोलो उसको पतंग बनाने के लिए, बोलो पतंग ऊपर, उसका पूंछ ऊपर नहीं रखेगा, पीछे ही रखेगा, वो एक सामान्य लक्षण को पता लगा लेता है। और ये होता है उनका क्या करना, एक व्यापीकरण करना, है ना, मतलब धीरे धीरे विस्तार करना, ये व्यापीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझने लगते हैं। अब रोजाना की जिंदगी में किसी अवधारणा को बनाने के लिए हम हर समय इसी तरह के व्यापीकरण में लगे होते हैं, बिल्कुल कुछ न कुछ हर एक चीज़ में व्यापीकरण होता है। व्यक्ति या पशु का चलना, घड़ी का चलना, किसी गाड़ी का चलना, इस प्रक्रिया की मदद से हम अपनी गतिविधियां आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे नए पौधों को उगाने के लिए हमें पौधों की वृद्धि के बारे में अवलोकन या व्यापीकरण कर सकते हैं, मतलब एक पौधा को लगाएंगे, केवल पौधा को लगाना ये विस्तार नहीं है, आप उसके बारे में सोचेंगे पौधे को बड़ा कैसे किया जाए। अब एक प्रकार से उसका पूरा पानी देना, उसको जाली से बांधना, है ना, किस प्रकार से बड़ा करना है, ये धीरे धीरे आपके मन में एक विचार आता जाएगा, सीखेंगे, तरीके अपनाएंगे। तो ये होता है व्यापीकरण, विस्तार करना। अब यहाँ पे देखते हैं, गणित के अध्ययन में व्यापीकरण की प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। यह हमें विशिष्ट गणितीय चीज़ों की संरचना को समझाने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। संरचना विशिष्ट गणितीय चीज़ों की संरचना को समझाने में मदद देती है और पहले से बनी संरचनाओं पर और आगे ज्ञान निर्माण करने में मदद करती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ज्ञान का इस तरह का विस्तार व्यापीकरण के बिना हो ही नहीं सकता। ये मज़ेदार की बात है कि कोई भी वस्तु किसी भी गणित का विस्तार करते हैं तो व्यापीकरण के बिना हो ही नहीं सकता। गणित में कई अलग अलग संदर्भ में व्यापीकरण दिखता है। नए अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए हम व्यापीकरण करते हैं, जैसे चतुर्भुज की परिभाषा के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। चतुर्भुज के उदाहरण के लिए आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, किसी वर्ग के चारों कोनों का योग 360 अंश होता है। का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 अंशों के बारे में सोचेंगे। सीधी सी बात है, किसी वर्ग के चारों कोनों का योग 360 अंश होता है, चारों कोनों का योग। तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 अंश, मतलब कोई भी ज्यामिति हो जिसकी भुजा चार हो, है ना, उनके कोनों का योग कितना होगा, 360 ही होगा। अब यहाँ पे अंकगणित पढ़ते हैं, दो दो चार होता है,
तीन और चार सात होता है, एक तरीके से विशिष्ट हो गया है ना, ये अपने आप में एक प्रतीक रूप गया। लेकिन इसी का विस्तार रूप जैसे हम लिख दिए 2x + 3y = 0, अब इसी को लिख दिए 2x + 3y = 5, ये क्या हो गया, एक अंक गणित का विस्तार रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे चर का प्रयोग किया गया है। अब इन संख्याओं का इस्तेमाल और अध्ययन का नए नए तरीके से विस्तार हम कर सकते हैं। तो बीजगणित जो है अंक गणित का व्यापीकरण है। अंक गणित को हम 2 और 2 4 लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x + 2y = 5 का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से विस्तार को हम बोलते हैं व्यापीकरण। बीजगणित अंक गणित का व्यापीकरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और समझने का, लास्ट में आपको विशिष्टीकरण भी समझ में आएगा। इस भाग में अलग अलग गणितीय संदर्भों में व्यापीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए सोचिए कि हम में से ज़्यादा लोग बहुभुज की व्यापक अवधारणा कैसे विकसित करते हैं। अब हमको पता है कि त्रिभुजों को देखते हैं तो उसमें आयत है ना, चतुर्भुज भी देखते हैं तो वर्ग, अन्य चतुर्भुजों के बारे में भी जानते हैं। तो आपके आसपास में 5 भुजा वाली बंद आकृति जो बने पैटर्न भी देखते हैं, 5 भुजा वाला इस प्रकार से है ना, 5 भुजा वाला भी देखते हैं, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि क्या 20 भुजा वाला भी आकृति होती होगी, या 50 भुजा वाला भी आकृति होती होगी, या 70 भुजा वाला भी आकृति होती हो सकती है, ऐसा मन में एक विचार आएगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, यही तो व्यापीकरण है, आप मन में विचार आ रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, यही है आपका व्यापीकरण। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हाँ तो उनके गुण क्या होंगे, क्या इन सभी आकृतियों में समानताएं हैं। इस तरह बहुभुज एक बंद आकृति जिसकी 3 अथवा सबसे अधिक भुजाएं होती है के बारे में अपने अवधारणा का विकास करते हैं, यह व्यापीकरण का उदाहरण है। इस तरह से व्यापीकरण से हम क्षेत्रफल, परिमाप और बहुभुज से जुड़ी अन्य अवधारणाओं का व्यापीकरण भी कर सकते हैं। तो यह आपको व्यापीकरण बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इधर आपको विशिष्टीकरण समझ में आएगा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे व्यापीकरण को, फिर आप व्यापीकरण से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं है ना। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 4 कोण के बराबर होता है, आयत के सभी आंतरिक कोणों का योग 4 समकोणों के बराबर होता है। फिर शायद हमें यह भी मालूम हो जाए कि समांतर चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4 समकोणों के बराबर होता है। तब हमने सोचने लगते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 4 समकोणों के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 360 अंश का मतलब क्या हुआ भाई, 360 अंश का मतलब क्या होता है, 4 बार 90 को जोड़ दो 360 हो जाएगा। तो यदि वर्ग जो है प्रत्येक कोण उसका 90 अंश होता है, आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो सीधी सी बात है कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 4 समकोण के बराबर होगा। तो ये आपने क्या किया, व्यापीकरण तो किया, विशिष्ट मामलों से व्यापीकरण किया आपने है ना। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशिष्टीकरण समझ में आ जाएगा। हम सिद्ध करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 4 समकोणों के बराबर होता है। इसी तरह हमारा व्यापक प्रश्न अनुमान सिद्ध होता है, यह अनुमान सिद्ध होता है। अब मान लीजिए कि हमने समझा कि हल करने को कहा जाता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 40 अंश हो, तो बाकी 3 कोणों का पता लगाएं। अब बताइए यहाँ पे देखिए, एक चतुर्भुज के एक आंतरिक कोण का मान 40 अंश है, अब बाकी का पता लगा, लेकिन आप पहले से जानते हो कि इसका टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है, ये व्यापक रूप से जानते हो आप। अब इन्हीं व्यापक रूप से आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है, अब प्रयोग करके इन कोणों का मान 40 अंश 140 अंश 140 अंश निकालते हैं। आपने निकाल दिया कि टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है, और उस व्यापक रूप का प्रयोग करते हुए आपने सभी कोणों का मान निकाल लिया, जिसे 40 अंश निकाल दिए, 140 अंश निकाल दिए, 140 अंश निकाल दिए, इस प्रकार से आपने निकाला। तो इस तरह से हम व्यापक बात को विशिष्ट स्थिति पर लागू करते हैं। देखो, व्यापक रूप से हम विशिष्ट स्थिति पर लागू करते हैं, तो इस प्रक्रिया को विशिष्टीकरण कहते हैं। मैंने बताया था आपको, व्यापक से उसको अलग अलग करना
मतलब एक विशिष्ट स्थिति में लेके आ जाना, उसका एक विशिष्ट महत्व है भाई। 140 का एक अपना महत्व है, 140 अंश का अपना महत्व है, लेकिन सभी को एक विस्तार रूप से जोड़े तो व्यापक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया आप कर रहे हो है ना, व्यापक से लेके आ रहे हो उसको अलग अलग तरीके से विशिष्ट स्थिति में लेके आ रहे हो, तो वही आपका विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस प्रक्रिया को हम विशिष्टीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ध्यान देना होगा, प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से पूछते हैं। आपकी व्यापीकरण और विशिष्टीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को त्रिभुजों पर लागू कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण की मदद से आप सीखने वालों को कि बंद आकृतियों के गुण समझते हुए व्यापीकरण और विशिष्टीकरण की प्रक्रियाएँ समझने में मदद कर सकते हैं। इस तरह बच्चों को एहसास होगा कि गणित को समझते हुए या उसकी रचना करते हुए हम लगातार विशिष्ट से व्यापक की ओर और व्यापक से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप एक विशिष्ट स्थिति, मतलब हमने पहले बोला कि एक पूंछ है तो एक विशिष्ट है ना, वो किसी भी जानवरों का विशिष्ट स्थिति है वो, और उन्हीं विशिष्ट स्थितियों से धीरे 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 ने विस्तार किया, वो व्यापक की ओर हो गया, तो विशिष्ट से व्यापक की ओर हो गया। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अब उसको लेकर के हमने उसको अलग अलग मान निकाला, तो व्यापक से क्या हो गया, विशिष्टीकरण, एक विशिष्ट स्थिति में आ गया, तो उसे बोलते हैं व्यापक से विशिष्टकरण या विशिष्टीकरण करना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा मैं। अगले वीडियो में हम जो है बैंकिंग मॉडल और आपका और जितने भी दिया गया है सीखने का मॉडल जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो और बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 वीडियो और बनाएंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है मैथ्स पेडागॉजी बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है मेरा वीडियो बिल्कुल शेयर करें, दूसरों को बताएं। इस बार आप CGKT क्लियर कर लीजिए, आपका नौकरी बिल्कुल तय हो जाएगा मेरा उम्मीद है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि सब CGKT निकाले और आपके भविष्य बन जाएगा, कि मैं जानता हूं कि किस प्रकार से लोगों को पढ़ने के बाद जो है क्या सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे एक ही निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, अपने पास मत रखें लिंक को, शेयर ज़रूर करें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। थैंक यू।